नमस्कार, मैं विपुल कुमार कर्ण, आप देख रहे हैं मार्गदर्शक बिहार न्यूज। मार्गदर्शक बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रशासन किन किन परिस्थितियों में लोगों को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग लापरवाही बरत रहे हैं। पहले हम आपको बता दें कि आज एक बार फिर से लॉकडाउन के अनुपालन के लिए प्रशासन SDO शैलेश चंद्र दिवाकर के नेतृत्व में सुबह से ही डटी हुई थी। तस्वीरों में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि किस तरह से SDM शैलेश चंद्र दिवाकर के नेतृत्व में नगर थानाध्यक्ष सुनील कुमार के साथ अररिया के चांदनी चौक पर पुलिस बल मैदान में डटे हुए हैं। इस दौरान आने जाने वाले प्रत्येक वाहनों को रोका जा रहा है, उनसे बाहर निकलने का कारण पूछा जा रहा है और जो लोग बिना कारण के बाहर निकले हैं उनका चालान भी काटा जा रहा है। इस दौरान यह देखा गया कि बाहर निकलने वाले लोगों में 70% लोग दवाई लेने के बहाने बाहर निकलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 10% लोग अस्पताल जाने के बहाने, 10 से 15% लोग खुद को मेडिकल स्टाफ बताते हैं और 5 से 10% लोग बैंक व अन्य बहाने लगाकर निकल रहे हैं। लोग किसी न किसी बहाने से बाहर निकल रहे हैं। साथ ही यह भी देखा गया कि जहां पुलिस बल तैनात है वहां तो लोगों की संख्या में कमी नजर आ रही है, जबकि बस स्टैंड, नवरत्न चौक व अन्य जगहों पर जहां पुलिस बल की तैनाती नहीं की गई है वहां लोग बिंदास होकर घूम रहे हैं। इसीलिए इन चौक चौराहों पर भी पुलिस बल व पदाधिकारियों की तैनाती की आवश्यकता है। हालांकि इस मामले में प्रशासन के द्वारा काफी देरी की जा रही है, जबकि लॉकडाउन के 3 दिन गुजर चुके हैं। अररिया जिला प्रशासन लॉकडाउन के अनुपालन करवाने के लिए पूरी तरह से सख्त है। इसी क्रम में आज SDM शैलेश चंद्र दिवाकर ने लॉकडाउन गाइडलाइन के विरुद्ध खोले गए कई दुकानों को सील भी किया है। वहीं दूसरी तरफ अब जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि किस तरह से ड्यूटी के दौरान आई बारिश से बचने के लिए एक छोटे से छज्जी के नीचे SDM शैलेश चंद्र दिवाकर, नगर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार तथा पुलिस कर्मी व मीडिया कर्मी खुद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि आप स्पष्ट देख सकते हैं कि वे लोग पूरी तरह से कमर के नीचे से भीग चुके हैं। फिर भी बारिश में भी वे लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। तस्वीरों में आप स्पष्ट देख सकते हैं किस तरह से घनघोर बारिश में भी प्रशासन अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है। एक तरफ जहां आम आदमी अपनी जान की सुरक्षा के लिए अपने अपने घरों में है, तो वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के लोग खुद की जिंदगी को दांव पर लगाकर खुद की परवाह किए बिना, खुद के परिवार की परवाह किए बिना लोगों की सुरक्षा के लिए दिन रात मैदान में डटे हुए हैं। वहीं मीडिया कर्मी भी दिन भर खुद की परवाह किए बिना आपको बाहर की हर खबरों से अपडेट कराने में लगे हुए हैं। यह तस्वीर आजाद नगर स्थित फास्ट फैशन के मालिक के आवास की है, जहां सूचना मिली थी कि वह अपने घर पर चोरी छुपे दुकानदारी कर रहे हैं। सूचना मिलने पर SDM शैलेश चंद्र दिवाकर के नेतृत्व में पुलिस बल वहां उनके गोदाम को सील करने में गई भी थी, लेकिन वहां उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ अपने गोदाम को सील करने नहीं दिया। आइए आपको दिखाते हैं इस घटना के बाद SDM शैलेश चंद्र दिवाकर ने क्या कहा। शिकायत मिली थी कि इस रोड में कुछ लोगों के द्वारा घर में ही रहकर सील किया जा रहा है, कपड़े का व्यापार किया जा रहा है। इसी क्रम में हम लोग पूरा अररिया जो हरियाली मार्केट है और चांदनी चौक वाले एरिया में लगातार हम लोग भ्रमण करके जो भी दुकान खुला पाया जा रहा है, चोरी छुपके कर रहे हैं, उनको सील किया जा रहा है। इसी के क्रम में हम लोग इस एरिया में आए और इस एरिया का नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बस इस एरिया में आए, शिकायत मिली, हम लोग गए तो पता चला कि 3-4 गोदाम बड़ा बड़ा खुला पाया गया और हम लोग जब सील की कार्रवाई करने लगे तो इनके द्वारा हल्ला किया गया कि यह नियम के विरुद्ध है, फलाना है, जो भी इनके द्वारा किया और जोर जोर से बोलने लगे। जो नियम संगत होगा कागज़ पे नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की गई थी, कानूनी कार्रवाई जो की जा रही थी उसमें सहयोग नहीं दिया गया और हल्ला किया गया। इससे स्पष्ट है कि लोगों के द्वारा ये जो सरकार का जो कोरोना के संक्रमण को लेकर जो सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया, जो जिला पदाधिकारी के द्वारा 144 लगाया गया, उसका इन लोगों ने अनुपालन नहीं करते हुए उसका उल्लंघन किया, उसके हिसाब से इस पर नियमानुसार कार्रवाई। तो आपने देखा कि किस तरह से बारिश में भी, कठिन परिस्थितियों में भी प्रशासन लोगों की सुरक्षा के लिए मैदान में डटे हुए हैं। हम भी अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों से यह निवेदन करते हैं कि अपने अपने घरों में रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने दें। बिना वजह घर से ना निकलें, प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए बाध्य ना करें। प्रशासन को शौक नहीं है कि वह जनता पर कार्रवाई करे, जनता पर लाठी बरसाए, आप उन्हें कार्रवाई करने के लिए मजबूर करते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों से निवेदन है
कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने दें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारी प्रत्येक खबर, हमारा प्रत्येक कार्यक्रम आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद।